بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين سريح المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويبلغ ملوكا ويستغرق آخرين اللهم إنا نشكو إليك فضل نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضامر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المطالب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البتحي الطعامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي المجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وعازبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومسائلهم أجمعين من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين और या आसमान पे चमकता हुआ सूरज, हर
हर चीज निजामे मरकजियत के तहत रवाना है और यही निजामे मरकजियत है, दीन इस्लाम की रूह है। चुनांचे इस्लाम का जो सबसे बुनियादी अकीदा है, बुनियादी नजरिया है, वह है नजरिया तौहीद। यानी इस्लाम तमाम इंसानों को तमाम इख्तिलाफात के बावजूद, इख्तिलाफात हैं, अल्लाह ने तमाम इंसानों को एक जैसा भी पैदा किया है और एक जैसा नहीं भी पैदा किया है। तवज्जो, तमाम इंसानों को इंसान बना के पैदा किया है, तमाम इंसानों को अक्ल दे के पैदा किया है, तमाम इंसानों को शऊर दे के पैदा किया है, तमाम इंसानों को बेहतरीन सलाहियतें दे के पैदा किया है, जिसकी तरफ कुरान में इशारा है, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत और बेहतरीन शक्ल शमाइल में पैदा किया। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो मखलूक है जिसे पैदा करने के बाद परवरदिगार आलम ने अपनी सन्नाही का कसीदा पढ़ा है। आप गौर कीजिए कि उसने जमीन को पैदा किया मगर अपनी सन्नाही का कसीदा नहीं पढ़ा, उसने आसमान को, इतने बड़े आसमान को पैदा किया मगर अपनी कुदरत और सन्नाहियत का कसीदा नहीं पढ़ा, उसने दरियाओं और समंदरों को वजूद अदा किया लेकिन अपनी सन्नाही का कसीदा नहीं पढ़ा, हत्ता के नूरानी फरिश्तों को पैदा किया मगर अपनी सन्नाही का कसीदा नहीं पढ़ा, कायनात की किसी चीज को खल करके उसने अपनी कुदरत का, अपनी सनअत का, अपनी सन्नाहियत का, अपनी अजमत का कसीदा नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा है तो इंसान को पैदा करने के बाद। जब इस इंसान को वजूद अदा कर चुका, जब इस इंसान को नेमत वजूद से माला माल कर चुका, तब परवरदिगार आलम ने कहा फकवा मरकल्ला हु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। अल्लाह ने खुद को बेहतरीन पैदा करने वाला तब कहा जब इस बेहतरीन मखलूक को वजूद अदा कर चुका। इंसान को महबूब ने एक जैसी सलाहियतें दी, एक जैसा पैदा लेकिन मुख्तलिफ बनाया, सबको एक कदोकामत के साथ पैदा नहीं किया, सबको एक रंग रूप के साथ पैदा नहीं किया, सबको एक शक्ल के साथ पैदा नहीं किया। तवज्जो, परवरदिगार आलम ने तनफ्फो भी रखा है और सबको एक सरजमीन में पैदा नहीं किया, एक खानदान में नहीं पैदा किया। चुनांचे इंसान बटे हुए हैं मुख्तलिफ सदनियों में, मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ खानदानों में। इन तमाम इख्तिलाफात के बाद अब परवरदिगार ने फिर चाहता है इंसान को एक मरकज पर जमा करना। चुनांचे वो मरकज सिवाय मरकज तौहीद के कोई और नहीं है कि जहां गोरा भी आ जाए, काला भी आ जाए, अजरा भी आ जाए, आला भी आ जाए, अमीर भी आ जाए, गरीब भी आ जाए, मोमिन भी आ जाए और मुसलमान भी आ जाए, तौहीद की शमा जमा की है वो इस पर इरफान कर सकता है। तो मरकज़े तौहीद तमाम इंसानों को एक मरकज पे जमा करता है, इसलिए इस्लाम ने सबसे बुनियादी तसव्वुर जो पैदा किया वो तौहीद है। और तौहीद का असल मफहूम क्या है? तौहीद का ताल्लुक है ज़ात परवरदिगार से, यानी इंसान अपनी अक्ल के जरिए, अक्ल वो जौहर उसके वजूद में मरकजी हैसियत रखता है, के जरिए से ये सोचे और तय करे कि कायनात, ये आलम हस्तोभूत, ये इंसान, ये जानवर, ये दरख्त, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये सारे के सारी चीजें आया खुद बहुत पैदा हो गई, ये इनका कोई पैदा करने वाला है? और अगर इनका कोई पैदा करने वाला है तो उसने इन चीजों को किस मकसद के तहत पैदा किया? इंसान अगर इन्हीं दो सवालों का जवाब तलाश कर ले तो फिर वो तौहीद की तरफ कदम आगे बढ़ाने लगता है। इसलिए कि पहली मंजिल तौहीद की है वजूद परवरदिगार, इस पे ईमान लाना, और दूसरा मरहला सिफात परवरदिगार, यानी जब आप के जरिए तुमने ये समझ लिया कि कायनात की कोई भी चीज बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती है। देखिए, जबान से इनकार करने के लिए कोई भी इनकार नहीं, लेकिन अक्ल सबकी बराबर है और अक्ल इंसानी ये तय किए बैठी हुई है कि कोई भी शय बगैर सामने के बगैर बनाने वाले के बनी नहीं सकती। इस कायनात की नहीं,
इस दुनिया में अच्छी लेवल की आ गई है, एक छोटी सी कुर्सी, कुर्सी के बाद एक छोटी सी मार्जिन पे चल रहा। हर चीज के लिए अक्ल की नजदीकियत तय है कि वो बगैर बनाने वाले के बनी नहीं। एक दहेलिया था, वो बादशाह के दरबार में बहस कर रहा था कि मैं खुदा को नहीं मानता, खुदा के वजूद पे ईमान नहीं रखता, ये कायनात तो बहुत बन गई, जमाना मुजरबे से वजूद में आ गई। बड़े बड़े उलमा ने उसे समझाने की कोशिश की, दलीलें दी, लेकिन किसी की दलील उसने न मानी, इसलिए कि वो तय करके आया था कि ईमान नहीं है। आप जानते हैं कि हर चीज का इलाज है मगर कठोर जद्दी का कोई इलाज नहीं। एक साहब कहीं किसी मुनाजरे में तशरीफ ले जा रहे थे, उनसे पूछा कि भाई आपने तैयारी कर ली है मध्य मुकाबिल के इतराजा का जवाब देने के लिए, तो कभी कोई तैयारी वाली नहीं की। कहा आपने स्टडी भी नहीं की है, तैयारी भी नहीं की, फिर कहा लेकिन मैं कामयाब रहूंगा, मुनाजरा में जीत के रहूंगा, मैं पसपा रहूंगा। तो भाई आपने तैयारी भी नहीं की है और आप कह रहे हैं कि मैं कामयाब रहूंगा, पर नुस्खा क्या है, वो कौन सा नुस्खा है जिसका आप उम्र करके कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है कि जो मुझे कभी शिकस्त दे ही नहीं सकता। वो नुस्खा क्या है कि जब सामने वाला जो भी कहेगा मैं मानूंगा ही, जब सामने वाले की कोई बात इंसान मानेगी नहीं तो फिर उसे कौन शिकस्त दे सकता है। तो जाहिर सी बात है कठोर जद्दी का कोई नहीं, कठोर बहस चलती रही, लेकिन बात पहुंची अल्लाह ने ही दिया है मतलब, अल्लाह ने ही अलैहि रहमान ने कि यह है मतलब, यह अल्लाह ने ही दिया रहमान ने उसे अमली जवाब दिया। दरबार में मुनाजरे का वक्त मुअय्यन था, लेकिन जो वक्त मुअय्यन था अल्लाह ने दी उससे तासीर से पहुंचे। तासीर से क्यों पहुंचे? उस आदत के तहत नहीं जिस आदत के तहत हम लोग तासीर किया करते हैं, कि तासीर करना भी एक तरह से एक फैशन बन गया है। लेकिन इस्लाम ने जिस तरह वफाए अहद पे जोर दिया है, उसी सूरत से वक्त की पाबंदी पर भी जोर दिया। तो हमारी पे मारिफती है जो हम इस सिलसिले में यूरोप वालों का बड़ा पसीदा पाते हैं, बड़ी डिसिप्लिन पाई जाती है, बड़े वक्त की पाबंदी पाई जाती है। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन का दस्त तो इस्लाम ने दिया है, सबसे ज्यादा वक्त की पाबंदी की ताकीद तो इस्लाम ने की। आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, आगे की बात किस्मत में करूं, आज के दौर में जहां कहीं तरह से रश हुआ फौरन क्यों बना दिया गया लाइन लाइन से डिसिप्लिन से तरतीब के साथ आएगी, एक एक करके आएगी। आप जानते हैं ये इस्लाम का इसमें सबक है, और ये सब इस्लाम ने कब किया और कहां दिया? तकलीफ के मैदान में, जहां सवा लाख का मजमा था। मौलाए कायनात की विलायत का जब ऐलान हो चुका तो मौलाए कायनात को इस खेमे में पैगंबर ने तशरीफ रखने के लिए कहा, और जिसका रुक दिया कि तमाम असहाब ये तमाम के तमाम हाजी एक एक करके जाए और अली को मुबारकबाद दे, एक एक करके जाए और अली को मुबारकबाद दे। कहूं या रसूलल्लाह इतना बड़ा मजमा है, सबसे बेहतर कहती है कि एक जबान हो गए नारा लगाते हैं मुबारकबाद का, क्या काफी नहीं है? अजब यह पैगंबर जवाब दे कि इतने बड़े मजमे में कितने लोग नारा लगाए और कितने लोग चुप रह गए, इसका कैसे अंदाजा होगा? ये तो हाल कर जाते हैं हम इलाम है जिसमें जाकिर मिंबर से फरमाइश करता है दुरूद पढ़िए, इतने बड़े मजमे में भी ये फैसला मुश्किल नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने दुरूद भेजा कितने लोग चुप रह गए। तो वो सवा लाख का मजमा उसमें कैसा पता चले कि किस किस ने अली को मुबारकबाद दी और किस किस ने अली को मुबारकबाद नहीं दी? यहां तो सबकी कल ही बोलना थी, पैगंबर ने कहा कि एक एक करके जाओ और मुबारकबाद दो। अब सवाल आता है मजमा एक एक करके मुबारकबाद देगा तो उसके लिए कितना वक्त दरकार है? इस वक्त उससे बहस नहीं करूंगा, इतने बड़े मजमे में मुबारकबाद नहीं चुकी तो उसके लिए क्यों तरतीब बनाई, लाइन और सफ मुअय्यन की गई। चुनांचे एक एक शख्स एक तरफ मर्दों की सफ थी, एक तरफ खवातीन की सफ थी, एक तरफ असहाब थे, इस तरह से तमाम लोग जा रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। तो अजीजान मोहतरम ये डिसिप्लिन और ये नाम मजा तो
वो है कि जिसका नमूना और जिसकी मिसाल इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले गदीर के बयाबान में पेश कर दी थी। एक सवाल पढ़ने पर मुकम्मल मान तो वक्त की पाबंदी खुद इस्लाम की तालीमात में बड़ी बड़ी अहमियत है। जैसी शख्सियत से वक्त की पाबंदी न करने का तो मसला नहीं, कोई सवाल ही नहीं, लेकिन अल्लाह जवाब बनाना तीसरी बात देर से पहुंचे। जैसे देर से पहुंचे तो दहरिया तो बेचैन था, कटू जल्दी के लिए उसने कहा देखिए अपनी दादी से आए। बच्चा ने कहा हाँ अल्लाह पाने में देर क्यों हुई? तो अल्लाह ने कहा कि तुझे मालूम है कि मेरा घर दरिया के उस पार है और मैं मुनाजरे में आने के लिए तैयार था, लेकिन आता कैसे? इसलिए कि दरमियान में दरिया है, मुझे तैरना आता नहीं। मैं मुंतजिर था कि कोई कश्ती वश्ती आए तो मैं उसके ऊपर बैठ के तेरे दरबार तक पहुंचू। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मैं हैरान था, परेशान था, कहीं कोई कश्ती नजर नहीं है। इतने में मैंने अजीब और गरीब मंजर देखा। कहा वो अजीब और गरीब मंजर क्या है? एक दरख्त खुद बखुद किया और उसकी शाखें खुद बहुत अलग होना शुरू हुई और फिर उसके बाद शाखें खुद बहुत तरसना शुरू हुई और तरसी हुई शाखें खुद बहुत पटरे की शक्ल में तब्दील हुई और ये पटरे खुद बहुत आगे एक दूसरे से मुंतसिर हो गए और मुंतसिर होते होते कश्ती की शक्ल तैयार हुई और ये कश्ती खुद बहुत आगे दरिया में लगी और मैं उस पर बैठा और चला आया। जैसे ये बात कही तो वो दहरिया मुंह खोले में पूरा वाकया सुन रहा था। उसने कहा ये झूठ बोलते हैं। बादशाह ने कहा कि कैसे कह रहे झूठ बोलते हैं? साथ वाकया पेश आए ये बयान कर रहे। अल्लामा अली ने कहा बिल्कुल मेरे साथ जो बात करते शायद मैं बयान कर रहा। तू क्यों कह रहा है मैं झूठ बोला? कहा इसलिए झूठ है कि अपने बशरी इसको तस्लीम नहीं करती। कहा किस चीज को अपने बशरी तस्लीम नहीं करती? कि एक तरफ खुद बखुद गिर जाए, खुद बखुद उसकी शाखें जुदा हो जाए, खुद बखुद तख्ते तैयार हो जाए, खुद बखुद लकड़ियां बन जाए, खुद बखुद कश्ती तैयार हो जाए, खुद बखुद पानी में आने लग जाए, खुद बखुद तय करने लगे सफर, आप इसको तस्लीम नहीं करते। अल्लामा अली ने कहा कि तुझसे बहस बेकार है। एक तरीके एक बेअक्ल इंसान, एक बेमारिफत इंसान, एक छोटी सी कश्ती बगैर किसी नज्जार भाई और कारपेंटर के बन नहीं सकती। इतना बड़ा कायनात, इतनी बड़ी इतनी बड़ी कायनात, ये जमीन क्या आसमान कैसे बगैर साधन के वजूद में आ? अब उसके पास कोई दलील नहीं थी सिवाय खामोशी। तो अजीरा मतलब हर शख्स ये अच्छी तरह से जानता है आखिर के नजदीकी मुसलम फैसला है, तयशुदा बात है, जबान से इसको कबूल कर लेकर के हर चीज के लिए एक सानी बनाने वाला है। और ये कायदा भी एक बनाने वाले के बनाने से मुझे है। तो सबसे पहला मरहला ये कि हम उस जात का पता लगाएं कि जिसने कायदा के ऊपर खत दी है। और उसके बाद दूसरा मरहला बनाने वाला है तो उसके सिफात क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसके खसूसियात क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है तो एक है एक से ज्यादा है। इन दो मरतों को तय करने का नाम है तौहीद। दो मरतों को तय करने का नाम है तौहीद। दायरे के तौहीद का मौजू बहुत ही खुश्क है और ऐसा मौजू है कि जिसे मिंबर पे आने वाले कभी भी जल्दी इस पे जबान खोलने की जरूरत नहीं करते। लेकिन अजीज़ान मोहतरम यही वो मौजू है कि जिससे हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई का मसला है। दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां वाबस्ता है और कर्बला का तौहीद से बराह रास्त वक्त है, अज़ाए हुसैन का तौहीद से बराह रास्त वक्त है, फर्श मजलिस का अकीदा तौहीद से बराह रास्त वक्त है। लिहाजा मैंने अपनी इस गुफ्तगू को यहां तक पहुंचाया कि तौहीद इस्लाम के आधार में इंतहाई बुनियादी अकीदे का नाम है। चुनांची अंबिया की तबलीगात में, मुसलीन की तबलीगात में सबसे पहली बार जिसे लोगों के सामने दावत के तौर पर पेश किया गया है वो है हमारे पते पर पते का यही तो है। पैगंबर ने भी, मैं जल्दी बात को समेटूंगा, पैगंबर ने भी जब अपनी तबलीग का आगाज किया तो सबसे पहले दर्स तौहीद दिया। कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की वहदानियत कलमा पढ़ो फला पाओगे और नजात के मालिक बनोगे। तवज्जो, पैगंबर कह रहे हैं कि अल्लाह की वहदानियत कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, फला के मालिक बन जाओगे और नजात पा जाओगे। लेकिन इसका रद्द अमल क्या सामने आया? ये
इलेक्शन का सामने आया, यही नबी कल तक जिसे साजिद कहा जा रहा था, जिसे अमीन कहा जा रहा था, जिससे अपने फैसले कराए जा रहे थे, जिससे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, जिसका एहतराम किया जाता था, अचानक पैगंबर ने जैसे कहा कौन लाया आया तो फिर अब पैगंबर की मुखालिफत शुरू हो गई। और मुखालिफतें भी इतने बड़े पैमाने पर कि पैगंबर के राह में कांटे भी बिछाए जा रहे हैं, पैगंबर पे पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, पैगंबर के नाम भी किया जा रहा है। ये क्या मोहम्मद, ये क्या हो गया? पैगंबर ने तुम्हारे नफे की बात की है, नुकसान की बात नहीं की है। तुफ रहू तुम्हारी फलाह की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नजात की बात कर रहे हैं। मसला क्या है, क्यों पैगंबर को तुम इस तरह अपने जुर्मों बर्बरियत के निशाना बना रहे? अजीज़ान, अगर हम किसी सवाल का जवाब तलाश कर लें तो फलसफा तौहीद किसी हद तक हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगा, और फिर मैं अपने मौजू को आगे बढ़ा सकूंगा। याद रहे कि पैगंबर जिस मुहाजरे में लोगों को तौहीद का दर्श दे रहे थे, अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, कि कौन सा मुहाजरा था? ये बुत परस्तों का मुहाजरा था। तवज्जो, बुत परस्तों का ऐसा मुहाजरा जिसमें हर कबीले का एक बुत, 360 कबीले, तो 360 कबीलों के 360 बुत, और ये बुत खाने काबा में ताकों पे रखे हुए, और हर कबीला अपने बुत के सामने सर नियाज करता था। तो अजीजान मुहतरम, वो अरब जो 360 खुदाओं को मान रहे थे, उनके लिए मजीद एक खुदा को मान लेना कौन सी मुश्किल बात है? तवज्जो, पैगंबर एक खुदा का कलमा माना जाए, लेकिन यहां पे मजीद एक खुदा को मानने की बात नहीं थी। यानी ये नहीं है कि 360 खुदाओं को भी मानो और उसके बाद फिर इस एक खुदा को भी मान लो, यानी 361 हो जाए बोल, ऐसा नहीं है। नहीं, कलमा यहां से शुरू हो रहा है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये कहो कि कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। यानी पहले झूठे खुदाओं की नफी करो, तब अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ो। जहालत नहीं कहते हैं,
जमाने में पैगंबर तशरीफ लाए थे वो जमाना जमाने जाहिलियत था, जमाने जिहालत नहीं था। जिहालत यानी इलिटरेसी, जिहालत यानी इल्म से दूरी। इल्म से दूरी नहीं थी, इलिटरेसी नहीं थी, नॉलेज थी। और नहीं थी तो फसाहत और बलागत के तूती कहां से बोल रहे थे, शेर व शायरी अपने हुदूद पे कहां कैसे पहुंचे हुए थे। तो जहालत का दौर नहीं था, जाहिलियत का दौर। यानी उनके आमाल, उनके अफाल, उनकी हरकतें, उनकी रस्में, उनके रवाज, उनके आमाल, उनके इबादत, ये सब सब जाहिलाना रस्मों वाले थे, जाहिलाना तर्ज फिक्र के थे। तो जाहिलियत का दौर था, जहालत का दौर नहीं। लिहाजा अरब अच्छी तरह जानता था कि ये बुत हैं, हमें उत्साह नहीं बनो, तो इन्हें छोड़ दो। पैगंबर अगर कह रहे हैं कि 360 बुतों को छोड़ो और ये खुदा को उससे उसका कलमा पढ़ लो, तो कौन सी परेशानी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम याद रहे, अगर सिर्फ बुतों को छोड़ने की बात होती, तवज्जो बस यही फिक्री मोड़ है और इसके बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। अगर तन्हा सिर्फ 360 खुदाओं को छोड़ने की बात होगी तो इनके लिए कोई मसला नहीं था। या 360 खुदाओं के साथ अल्लाह की उलूहियत के इकरार की बात होगी तब भी इनके लिए कोई मसला नहीं था। ये दो ऑप्शन है, इसमें इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। या 360 खुदाओं की मान लो, अल्लाह की मान लो, खुदा भी मान लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि जो कौम 360 खुदाओं को मान सकती है उसके लिए कौन सा मसला है। 360 नहीं 3600 हो जाए, 3600 नहीं 3,06,000 हो जाए, 3,06,000 नहीं 3,06,00,000 हो जाए, तादाद बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इनके लिए कोई मसला नहीं है। फिर पैगंबर कहते हैं इनको छोड़ो फिर खुदा को मानो, तो आप क्या मसला है, इनके लिए छोड़ना क्यों मुश्किल है, जबकि ये जानते हैं कि बुत हैं, पत्थर के बुत हैं, हमें ना फायदा पहुंचा सकते नुकसान होता है, फिर कौन छोड़ रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम याद रहे, पैगंबर जिस खुदा की तरफ बुला रहे थे, जिस खुदा की बहकाली कलमा पढ़वाना चाहते थे, वो खुदा भी अगर इन्हीं बुतों जैसा होता, तवज्जो, अगर इन्हीं बुतों जैसा होता तो इनके लिए कलमा पढ़ना कोई मसला नहीं था। इन्हीं बुतों जैसा होता इन्हें मतलब, यानी न उसकी तरफ से कोई कानून आता है, न उसकी तरफ से कोई नबी आया होता है, न उसकी तरफ से कोई इमाम आया होता, न उसकी तरफ से कोई किताब आई होती, न उसने जिंदगी के लिए कोई लाख हयात बनाया होता। अगर ये बुतों की तरफ से होता तब भी इस अल्लाह को मानने के लिए उनके वास्ते कोई मसला नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि इन 360 खुदाओं के छोड़ने की बात अपनी जगह पे, लेकिन पैगंबर जिस एक खुदा का कलमा पढ़वाना चाहते हैं, वो एक खुदा वो है जो समी है, जो बसीर है, जो हकीम है, जो कादिर है, जो मुद्रिक है, जो हई है, चुनांचे अगर उसको मान लिया तो उसके यहाँ कानून पाया जाता है, उसके यहाँ ज़ाबिता हयात पाया जाता है, उसके यहाँ जिंदगी के उसूल पाए जाते हैं, उसके यहाँ हराम हलाल का मसला पाया जाता है, उसके यहाँ जायज नाजायज की बात पाई जाती है, तो उसको मान लिया तो फिर अपनी मनमानी कैसे करेंगे, अपनी मनचाही जिंदगी कैसे बसर करेंगे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम असल में उनको जो चीज अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने से रोक रही थी वो उनका नफ्स था, उनकी ख्वाहिशात थी, उनका नफ्स था, उनकी ख्वाहिशात थी। ये सोच रहे थे कि हम कैसे फिर अपने ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, कैसे अपने नफ्स के तकाज़ों को पूरा करेंगे, उस एक खुदा को अगर हमने माने। और यहां 360 नहीं 3,000 3,00,000 3,00,00,000 हो जाए, ये हमें ना रोकने जा रहे हैं ना टोकने जा रहे हैं। तो एक तरफ जब इबादत की तस्कीर भी हो रही है और दूसरी तरफ अपने ख्वाहिशात नफ्स का इत्तेबा भी कर रहे हैं। तो याद रहे इस्लाम ने जो तौहीद का तस्वुर कॉन्सेप्ट पेश किया है उसकी रूह यह है कि पहले झूठे खुदाओं से रिश्ता तोड़ो, तब खुदाए महबूब अल्लाह से रिश्ता तोड़ो। और ये झूठे खुदा तन्हा पत्थर के बुत झूठे खुदा नहीं होते, यानी बुत परस्ती सिर्फ पत्थरों की पूजा के नाम नहीं है, यह बदतरीन दर्जे की बुत परस्ती है कि इंसान अपने हाथों से पत्थरों की मूर्तों को तराश दे और उन्हें ले जाके ताक में नष्ट कर दे और उनके सामने अगरबत्ती और मोमबत्ती सुलगा के उनके गले में हार पहना के सुबह शाम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहे, जय जयकार करता रहे, ये बदतरीन दर्जे की बुत परस्ती। लेकिन बुत परस्ती का मफहूम सिर्फ पत्थरों की मूर्तों की पूजा तक महदूद नहीं है, बल्कि बुत परस्ती का मफहूम इंसान की पूरी जिंदगी को अपने दामन में लिए हुए,
क्यों? इसलिए कि असली बुत परस्ती क्या है? अब असली बुत परस्ती समझना है तो असली तौहीद को समझिए। असली तौहीद क्या है? असली तौहीद यह है कि अपने पूरे वजूद से अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर करना। अगर ये तय कर लो कि वही जात है जो तुम्हारी सालिज है, वही परवरदिगार है जो तुम्हारा राजिक है, वही परवरदिगार है जिस पे तुमको हक हुकूमत हासिल है, वही परवरदिगार है जिसने तुम्हारे लिए दीन भेजा है, वही परवरदिगार है जिसने तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया है, वही परवरदिगार है जो तुम्हें रोजी देता है, वही परवरदिगार है कि तुम्हारी मौत और हयात उसके अख्तियार में। जब ये तस्लीम दे लो तो फिर अपने पूरे वजूद से अपने आप को उसके हवाले करो, सारे तस्लीम खम कर दो उसकी बारगाह में और उसी को अजीम मानो बस और किसी को नहीं। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह को अजीम मानना और गैरुल्लाह की अजमत का दिल में पैदा न होने देना, यह है तौहीद, यह है तौहीद। अब जहां कहीं भी हमारे दिल से, जबान से हम कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से हम कहते रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जहां कहीं दिल से अल्लाह की अजमत का तसव्वुर ओझल हुआ और दिल में गैरुल्लाह की अजमत पैदा हुई, वही बुत परस्ती हुई। यही वो जगह है कि जहां पर इंसान मुसलमान होते हुए भी बुत परस्त हो जाता है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए बुत परस्त हो जाता है, नमाज पढ़ने के बावजूद बुत परस्त हो जाता है, तस्बीह करने के बावजूद बुत परस्त हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह को अजीम मानना है। अब जबान से तो हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, जबान से तो हम उसकी अजमत का इकरार कर रहे हैं, जबान से तो हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि अमल क्या है, अमल क्या कह रहा है। अमल से भी हम उसकी अजमत का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा अमल भी उसकी अजमत का इकरार करता है कि करता है। यहां पे असल में बात सामने आती, चुनांचे हमने जबान से कहा अल्लाह अकबर, लेकिन अमल कह रहा है कि नहीं, हम अल्लाह को अजीम नहीं मानते बल्कि मुआशरे को अजीम मानते हैं, सोसाइटी को अजीम मानते हैं, फैशन को अजीम मानते हैं, रोजी रोटी के मसाले को अजीम मानते हैं, दुनियावी अवतार को अजीम मानते हैं। ये सब बातें कब आता चलेंगी? जब आप अपनी जिंदगी की तरजीह दें। एक शख्स फर्ज कर ली मैं साथ दे रहा हूं नमाज नहीं पढ़ते, आप उससे कहीं भी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज वाजिब है और ऐसा वाजिब है कि जिसके बारे में मासूम साहब साहब विचार फरमाए कि इन कुबिला मासिबा व इन रुद्दा तुद्दा मासिबा, अगर नमाज कबूल तो सारे अमल कबूल और अगर नमाज रद्द तो सारे अमल रद्द। यहां पे सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो कहते हैं साहब हम नमाज नहीं पढ़ते, वैसे मस्जिद तो करते हैं, मस्जिद भी इबादत है, मस्जिद भी हमें कब फायदा पहुंचाएगी? जब अमल कबूल हुई हो ना, मस्जिद हमारे है, जब यह अमल हमारा कबूल होगा तब हमारे लिए नजात की जमानत बनेगा। इमाम फरमाते हैं कि इन रुद्दा सेवा, अगर नमाज लौटा दी गई तो उसके अलावा सारे अमल लौटा दिए जाएंगे, पर इनको कोबिला सेवा, नमाज कबूल हो गई तो उसके अलावा सारे अमल कबूल हो जाएंगे। तो इसी में तो ये मस्जिद भी है और जहां नमाज ही में पढ़ी गई होगा पढ़ना मकबूलियत का सवाल पैदा होता है ना लौटाए जाने का सवाल पैदा होता। तो फिर हम अपने अमल के बारे में सोचें और सबसे बढ़ के छठे इमाम का इरशाद आज आप सोच रहे होंगे कल तक तो बड़ी वाह की बातें थी कि आज ये क्या लेके बैठ गए। अच्छा इत्तेफाक से आज के दौर में ये टॉपिक भी बड़े हसास हो गए, चूंकि मुंबई पे तरह तरह के लोग आते हैं, आपका तरह तरह के लोगों से साबिका होता है, लिहाजा इन मौजूदात को भी बड़ा हसास बना दिया गया है। एक शख्स मुंबई पे आया और आने के बाद उसने कहा लगाई, फौरन मैंने कहा अरे बड़े मौलाई हैं, इनसे बड़ा मौलाई कोई। और दूसरा शख्स आया उसने कहा नमाज, फकर ये भाई तो वहाबी लगते हैं। इशारे मिल रहे हैं मोमिन
पर पढ़ेगा कलम चला हुक्म पर
यहां तक इमाम ने सिलसिला सनद बयान किया, अब उसके बाद हदीस कहें भाई मेरा मौजूद कलेमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह इस्मी, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अकेला है, अल्लाह कहता है मेरा अकेला है। फमन दाखला इस्मी अमन मिन अज़ाब, जो इस कलेमे में दाखिल हो जाएगा मेरे अज़ाब से महफूज हो जाएगा। इमाम ने हदीस बयान की, 18000 का नाम लिखा, हमारी कब्र दाखिल गया सवारिया के रोड़े। लेकिन कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि अचानक इमाम की सवारी फिर रुकी, हमारी कब्र का फिर उठा और इमाम ने अपने चेहरे पर नूर को फिर हमारे से बाहर निकाला। लोगों ने दोबारा इमाम की ज्यारत, जमाले पर नूर की ज्यारत। लेकिन फर्क यह कि पहले पर्दा लोगों के इसरार से उठा था और अब पर्दा का दीजिए इमामत की जिम्मेदारियों की बुनियाद पर उठा है। इमाम ने फिर हदीस को दोहराया, कलिमत लाए तुमने लिखी है ना, कलिमत लाए लाहा इल्लल्लाह इस्मी फमन दखला इस्मी अमिना मिन अज़ाब, लेकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अनामि शुरूतिहा, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का किला है, जो इस कलिमे में दाखिल हो जाएगा अज़ाबे इलाही से महफूज हो जाएगा। लेकिन अज़ाबे इलाही से महफूज रहने की कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों में से एक शर्त मेरी जात है। क्या जब तक हमारी विलायत को इमामत पे ईमान नहीं लाओगे उस वक्त तक कलिमे को भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये कि अगर एक में शफा
अहम चीज नमाज, मतलब उसके बारे में इंसान उधर ढूंढता है, सर ये मसला है, वो मसला है, और इस बात का मसला है, वो ऑफिस है, और दुकान है, और बात नहीं मिलता, और ये काम और वो काम। इसी तरह से बहुत सारे मसाए जो दाढ़ी नहीं रखता उससे कुछ कुछ ये तो भी कुछ ना कुछ उधर बयान करेगा, वो खवातीन जो पर्दा नहीं करती उनको उनसे पूछती वो भी कुछ ना कुछ उधर बयान। हर शख्स अपनी बेअमली के सिलसिले में कोई ना कोई उधर बहाना जरूर बयान करेगा। जहन में तसव्वुर क्या है कि अगर ये उधर ना होता, ये रुकावट ना होती, तो हमसे बड़ा कोई दीनदार ना होता, हमसे बड़ा कोई मुत्तकी ना होता, हमसे बड़ा कोई शरीयत पे अमल करने वाला ना होता, हमसे बड़ा कोई नमाजी ना होता, हमसे बड़ा कोई परहेजगार ना होता। लेकिन ये सारे मसाइल हैं, ये सारे मुश्किलात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाता है। इस जवाब का मतलब क्या है? इस जवाब का मतलब ये कि अल्लाह का कानून अपनी जगह है, लेकिन ये उस वक्त काबिल अमल है जब ये चीजें ना, जब ये रुकावटें ना, जब ये फैशन ना हो, जब ये रोजी रोटी का मसला ना हो, जब ये ऑफिस ना हो, जब ये दफ्तर ना हो, जब ये दुकान ना हो, जब ये सोसाइटी ना हो, तब ये काबिल अमल है। और इस शख्स की नजर में अल्लाह का कानून अजीब हुआ या सोसाइटी अजीब हुई, अल्लाह का कानून अजीब हुआ या फैशन अजीब हुआ, अल्लाह का कानून अजीब हुआ या रोजी रोटी का मसला अजीब हुआ, अल्लाह का कानून अजीब हुआ या ये रुकावटें अजीब हुई। वजीरान मोहतरम, इसके कहने का मतलब यह है कि अल्लाह का कानून अजीब नहीं बल्कि रुकावटें अजीब हैं। तो जब अल्लाह का कानून अजीब नहीं तो फिर खुद अल्लाह कहां से अजीब रह जाएगा? इसलिए कि जो जात अजीब होती है उसकी बात भी अजीब होती है। जात अजीब तो कानून भी अजीब। हमने कानून को हल्का समझा, इसका मतलब कि हमारे दिल में अल्लाह की अजमत का तसव्वुर नहीं है। तो जहां अल्लाह की अजमत का तसव्वुर गया, खैरुल्लाह की अजमत दिल में पैदा हुई, वही बुत परस्ती हुई, वही बुत परस्ती हुई। चुनांचे मुख्तलिफ किस्म के बुत हैं जो इंसानों के जहनों में सजे होते हैं। कब का इंसान भी, आज का इंसान भी, कहीं रोजी रोटी के मसले का बुत है, कहीं फैशन का बुत है, कहीं सोसाइटी का बुत है, कहीं हसब नसब का बुत है, कहीं रंग नस्ल का बुत है, कहीं कौम कबीले का बुत है, कहीं बैंक बैलेंस का बुत है, कहीं अमीरी गरीबी का बुत है, कहीं तबकाती निजाम का बुत है। मुख्तलिफ किस्म के बुत हैं जो इंसान के दिलो दिमाग में सजे हुए हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि जब तक इन बुतों को तोड़ोगे नहीं, उस वक्त तक सच्चे मुआहिद नहीं बन सकते। दुरुस्त नहीं है तरसु, दुरुस्त नहीं है, तेरा दुरुस्त नहीं है।
अजियान होता है पैगंबर खामोश, इसलिए कि वही आए तब पैगंबर का नाम करें, और यहां ना वही आ रही है ना जिब्राइल आ रही है। यहां तक कि इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई कि लोगों को एहसास हो गया कि अब तक सुबह हो जाना चाहिए। ऐसे घड़ी होती नहीं कि लोग अंदाजा हो जाए कि साहब 4:35 में सुबह होती है और 5:35 हो गए, एक घंटा हो गया इधर सुबह नहीं। यकीनन जमाने इतनी देर हो गई थी कि लोगों को अंदाजा हो गया। जब यह अंदाजा हो गया हालात लंबी होती चली जा रही, तब जिब्रील आए। कहे रसूलल्लाह लोगों से कह दीजिए जब तक ये न जाए हो जाए कि बिलाल ही अजान देंगे उस वक्त तक सुबह नहीं जमता, ये भी कह दीजिए ये जो बिलाल की के तलफुज और उनकी तिलावत का हुजूर बहाना लेके आए हैं, इनसे कह दीजिए कि सीनो बिलाल शीनुन अल्लाह, बिलाल के सीन ही अल्लाह के नजदीक शीन का दर्जा रखती है, यानी अल्लाह ये नहीं देखता है कि किस लहजे और किस तलफुज से आवाज दी जा रही है, बल्कि ये देखता है कि किस सच्चे जज्बे और किस दिल की गहराई से आवाज दी जा रही है। बात पहुंचाइए तो फिर जुमला, इसलिए कि हमारी कौम अगरचे अपने आप को मुज्तहिद नहीं कहती लेकिन हर शख्स अपने को मुज्तहिद समझता है, इसे कि दीन के मामले में हर शख्स इस्तेलाल रखता है। और ये भी अजीब गरीब बात है, दुनिया का कोई टॉपिक हो अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो कभी जबान नहीं बोलते, लेकिन बेचारा दीन हम उसके बारे में कुछ भी ना जानते लेकिन उस पर हर शख्स अपनी राय जरूर देता हुआ नजर आए तो हर शख्स इश्तिहार भी करता है। कहता है इस गुफ्तगु से कुछ अंदर नहीं निकले कि सीनों पे डाले शीनों इंदर माह। कहता है ये मौलवी हजरात को इतना जोर देते हैं कि तेरा सीखो तजवीज सीखो और तेरा सही होना चाहिए, नमाज में तलफ्फुज़ सही होना चाहिए। जब बिलाल अस्सलामु अलैहि कह सकते हैं तो हम भी बिलाल की तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों सीखना जरूरी, इस्तेलाल कर सकते हैं नमाज। फर्क है दोनों सूरतों में, एक वो सूरत है कि जहां इंसान सही तलफ्फुज करने की सलाहियत नहीं रखता है, ज़बान कादिर नहीं है सही तलफ्फुज पे, और एक वो है कि ज़बान कुदरत रखती है ना जानने की बिना पे सही तलफ्फुज नहीं कर रहा है। तो दोनों में फर्क, जहां इंसान कुदरत नहीं रखता है सही तलफ्फुज करने पे वहां माफ है, लेकिन जहां ना सीखने की बिना पे गलत तलफ्फुज कर रहा है वहां माफ नहीं, वहां सीखना जरूरी है। हमारे अम्मा ने बुत तोड़े हैं, बच्चा के बुत भी तोड़े हैं, दिलो दमाग में सजे हुए बुत भी तोड़े, दिलो दमाग में सजे हुए बुत तोड़े। अब आप ये देखिए कि लोग आए थे कहने के रसूलुल्लाह बिलाल से मुअज्जिन का मतलब ले लीजिए, हकीकत वो बुत थे उनके दिलों में। ये कारण कब तक बिलाल हमारे गुलाम थे, हम बिलाल से कहते थे बिलाल ये काम बिलाल वो काम बिलाल वो काम, बिलाल जी हुजूर जी सत्ता करके हमारे आवाज पे दौड़ते थे। और आज बिलाल गुलदस्ते अल्लाह में कहते हैं हय्याल फलाह हय्याल सलाह हय्याल फलाह हय्याल फलाह, तो कल बिलाल हमारी आवाज पे दौड़ते थे, आज हमें बिलाल की आवाज पे दौड़ना पड़ रहा है। आज हमें बिलाल की आवाज पे दौड़ना पड़ रहा है, तो पैगंबर ने कहा नहीं बिलाल ही आराम देंगे, अल्लाह ने कहा नहीं बिलाल ही आराम। तो अजीजान मोहतरम ये बिलाल को गुलदस्ते आराम पे बरकरार रखने का हुक्म इनके दिलों में इनके दिमागों में इनकी फिक्रों में सजे हुए बुतों को तोड़ने का अल्लाह तआला अंजाम दिया है। इस तरह इस्लाम में शुमार ना है। चुनांचे फिर मैं दोहरा हूं कि हम जिस मतलफे को मानते हैं उसका नबी भी कुछ सिखा, उसका अली भी कुछ सिखा और उसका हुसैन भी कुछ सिखा। 61 हिजरी में भी एक बहुत बड़ा बुत था जो इस्लामी मुआशरे के दिलो दमाग में घर कर चुका था, और वो था यजीदियत का बुत, यजीदियत का बुत, अबू जहल अबू लहब का बुत, रसूलुल्लाह नेफाक और कुफर का बुत अली ने तोड़ा, यजीदियत का बुत हुसैन ने तोड़ा। Can you?
علی اکبر کی سیرت پہ چلنے اس پوری تاریخ میں جن نوجوانوں نے اپنی اپنی جان کا لرزانہ پیش کیا ہے, چاہے دنیا کے کسی بھی سرزمین میں, وہ سرزمین عراق ہو, وہ سرزمین ایران ہو, وہ سرزمین لبنان ہو, وہ سرزمین فلسطین ہو, اور کیا وہ سرزمین پاکستان ہو, کیا آج ہمارے جوانوں کے خون نہیں بہ رہے ہیں, کیا آج ہمارے جوانوں کے خون سے گولیاں نہیں کھیلی جا رہی ہیں, کیا کل زینب کو علی اکبر کے سامنے سوگ نشین ہونا پڑا تھا, تو کیا آج کی مائیں اپنے علی اکبر کے گھر میں سوگ نشین نہیں ہیں, کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں, دیکھا گیا کپڑے اتر پا کے تو ان کی پیلے پیل زنجیر کے ماتم کے نشان تھے, تمہیں جوانوں کو شہید کر رہے ہو, ان کا قصور تو بتا دو, ان کی سزا تو بتا دو, تم کیا سزا بتاؤ گے, ہمیں معلوم ہے تمہارا جواب, جس وقت امام مردوم نے عمر صاحب سے پوچھا تھا عمر صاحب بتا دے مجھے کس جرم میں شہید کر رہا, میں نے شریعت میں تبدیلی کی ہے, میں نے اسلام کو بدلا ہے, میں نے قرآن پہ تحریف کی ہے, میں نماز کو انجام نہیں دیتا, کس جرم میں شہید کر رہا, تو عمر صاحب نے منہ موڑ کے ایک جملہ کہا, بغدل حبیب بغدل حبیب, اے حسین میں تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں شہید کرنا چاہتا ہوں, شہید کے خانوادے کی
माली मदद करता है तो गोया वो भी उसकी शहादत के अजर का हकदार बन रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा, लिहाजा इस फलसफे को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो कहते हैं लहन अल्लाह उम्मत अल्लाह का वलहन अल्लाह उम्मत अल्लाह का वलहन अल्लाह उम्मत से में हद दारे का फरदियत पे ए मौला लानत उस कौम पर जिसने आपको कत्ल किया, लानत उन लोगों पर जिन्होंने आप पे जुल्म किया, लानत उन लोगों पर जिन्होंने सुना और खामोशी किया। याद रहे ये है फलसफा। उसी सूरत से इसी सूरत से रहमतें नाजिल हों उन लोगों पर जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, रहमतें नाजिल हों उन लोगों पर जिन्होंने उनको मैदान शहादत में जाने के सिलसिले में उनकी मदद की, और रहमत हो उन लोगों पर जिन्होंने उनकी शहादत के बाद उनके घर वालों की मदद की। इन तमाम फलसफों को रखिएगा। करबला आज भी करबला, हम एक दूसरे से वापस आए। इमाम अपने बेटे को रवाना करते हैं, ए मेरे मालिक याद रहे ये मेरा वो बेटा जो सबसे ज्यादा तेरे रसूल से खुश आबे, जब मैं अपने तेरे रसूल की ज्यारत का मुश्ताक होता था तो इस बेटे की ज्यारत कर लिया था। अब मंजर ये है, बस मेरी गुफ्तगू खत्म, अब मंजर ये है कि आगे आगे बढ़ गया जवान बेटा और पीछे पीछे बूढ़ा बाप।